शरद पूर्ण मासी के अवसर पर रविवार को नगर के अनेक मंदिरों में खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। कुछ प्राचीन मंदिरों में रविवार शाम को ही उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सभी मंदिरों पर विशेष पूजा अनुष्ठान हुआ। बता दें कि दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की चांदनी में विशेष हितकारी किरणें होती है, इनमें विशेष रस होते हैं। इन दिनों में चंद्रमा की चांदनी का लाभ लेने से वर्ष भर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रसन्नता और सकारात्मकता भी बनी रहती है। मान्यता अनुसार मंदिरों में खीर का वितरण होता है, क्योंकि खीर को दिव्य औषधि बनाया गया है और इस खीर विशेष तरह से खाने पर इसका फायदा भी मिलता है। शरद पूर्णिमा पर अश्विनी कुमारों के साथ यानी अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। चंद्रमा की ऐसी स्थिति साल में एक बार ही बनती है। वही ग्रंथों के अनुसार अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। इस रात चंद्रमा के साथ अश्विनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। इस अवसर पर नगर के अधिक मंदिरों में प्रमुख देवी स्थलों पर प्रसादी का वितरण हुआ। ग्वालियर समाज द्वारा झेंझू और टैसू का विवाह श्री कृष्ण धेनु का मंदिर पर त्योहार मनाया व सभोज का आयोजन हुआ।